यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वैसे ये क्वेश्चन थर्ड राउंड का मैंने आपको बोला था एरिया अंडर कर्व पढ़ाते समय, पर फिर भी क्वेश्चन सिंपल इसलिए ले लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड द स्ट्रेट लाइन वाई इक्वल टू एक्स। क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल है इसलिए मैं इस राउंड में कर रहा हूं, पर आपको मैं सजेशन दूंगा बाद में भी कर सकते हैं। ये वाई इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई। आपको भी पता है अगर वाई की जगह यहां पर एक्स रख दें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 20। तो ये लेंथ 2, ये लेंथ भी 2। इस एरिया को बताना है, ट्राइंगल का एरिया क्या होगा बताया था ना तरीका, हाफ बेस इन टू हाइट, तो 2। तो 0 से 2 में केवल रूट 2 रूट एक्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, खत्म। तो क्या हो जाएगा, और फिर इसको ऐड इसको सबट्रैक्ट करेंगे बाद में, पहले अलग से कर लो, पहले शॉर्ट तरीके से कर लें। रूट 2 एक्स का पावर 3/2 / 3/2 0 to 2, तो ये जाएगा 2/3 इंटू रूट 2 की पावर 3/2 1/2 यानी 2 का स्क्वायर। एक तरह से ऐसा हो जाएगा ना, देखो रूट टू की पावर 3/2, एक ये कितनी है 2 की पावर 1/2, ऐड कर दिया तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 2 8, तो 8/3। तो ये है तो 8/3 माइनस ऑफ 2 करना मत भूलिएगा, तो 2/3 इज अ राइट आंसर, राइट 2/3 इज अ राइट आंसर। अब मेथड से समझ लीजिए, आपने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x x माइनस 2 यानी 1.00 और एक ये। अब 0 से 2 में रूट 2 रूट x को इंटीग्रेट किया, माइनस 0 से 2 में स्ट्रेट लाइन को किया, पर इसको करने का टाइम वेस्ट मत करिएगा क्योंकि इसका आप डायरेक्टली राइट एंगल ट्राइंगल से निकाल सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 2/3 इज अ राइट आंसर। जरा भी ध्यान नहीं दोगे तो मिस्टेक हो सकती, पर ये सेकंड राउंड में भी ले सकते थे, फर्स्ट में भी, क्योंकि ये ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा था। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए क्या है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2/sin x का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। इसकी सिंपल टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वाई, एक को वाई नहीं दिया भाई मान लिया, और एक को हम क्या मानते हैं टी, और आपको अल्टीमेटली बताना होता है dy/dt। जिसको चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, dy/dt को लिख सकते हैं dy/dx/dt/dx, यानी सिंपली इसका करिए न्यूमरेटर में तो 2/sin²x का करेंगे तो 2 sin²x, ध्यान रखिएगा, तो 2/sin²x इंटू log2 sin²x का डिफरेंशिएशन होता है 2 sin x cos x, डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन तो cos x। अप्रोच नंबर 1, cos से cos कैंसिल, चाहे तो 2 log 2 को 4 लिख सकते हैं, तो sin x log 4 और 2/sin²x, देखिए है sin x 2/sin x² ln x, a इज अ राइट आंसर, ये आंसर आ गया। इसका एक तरीका और हो सकता था, चाहे थे तो y इक्वल टू 2 का पावर t² रख के डायरेक्टली भी dy/dt लिख सकते थे, dy/dt लिखते हैं तो 2/t² × 2t × log 2। अब t का वैल्यू पुट करना मत भूलिए, तो 2/sin²x 2, t है sin x, तो 2 sin x × log 2, इसको आप 4 लिख देते हैं। यानी आपके हाथ में था कि आप क्वेश्चन को किस ढंग से करें। नोट करिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए और कितना अच्छा पेपर है। नो डाउट कि इसमें कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूम कर रहे थे, बट वो क्वेश्चन की तरफ अगर फोकस करेंगे तो ही अटेम्प्ट कम होंगे, नहीं तो बहुत अच्छे से हो सकते हैं। और अभी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जिस ढंग से पढ़ाया वैसे ही कर रहा हूं सॉल्व। देखिए अब पूछा है fx = x³/3 - 5, देख के ऐसा लगेगा पर आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 3 कैंसिल होगा इससे 2। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, +6x + 7 इंक्रीजेस इंटर इंटरवल टी, इंक्रीजेस बोला है टी में, इंक्रीज कब होता है जब f'x ग्रेटर देन 0 होता है, डिक्रीजेस इंटर इंटरवल टी s, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपको बताना है टी और s क्या होगा, यानी सिंपल सा लॉजिक है कि जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है उसको टी बोलना है, जिसमें डिक्रीजिंग है उसको s बोलना है, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा। अगर मैं आपको एक बात बोलूं लॉजिकली भी, तो इसमें एक चीज समझिएगा, बहुत जल्दी आप आंसर दे सकते हैं कैसे। जैसे आपने f'x लिखा 3x² तो कैंसिल, तो x² - 5x
प्लस सिक्स जिसके फैक्टर होगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि आंसर केवल ए हो सकता है, क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर चाहिए, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन। इसके फैक्टर जब लेंगे तो टू थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ये है तो इंक्रीजिंग क्या लिखेंगे माइनस टू यूनियन ऑफ थ्री टू इंफिनिटी, डिक्रीजिंग ये हो गया, तो ये हो गया एस, ये हो गया टी। अगर ध्यान दें तो वैसे ही देख के समझ में आ रहा था कि इसके जो फैक्टर बनेंगे उसमें इंक्रीजिंग का इंटरवल बड़ा होगा, वो एक ही में था ए में। आप बिना सॉल्व करे भी ए लगा सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे कि प्रोबेबिलिटी का है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अ कॉइन इज बायस्ड, बायस मतलब द हेड कम अप थ्राइज इज लाइकली टेल, यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टेल से थ्राइज है। राइट, अ कॉइन इज बायस्ड सो दैट हेड कम्स अप थ्राइज एज लाइकली एज टेल फॉर थ्री इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल बोला है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, जीरो टेल, वन टेल एंड टू टेल, एक बात। और दूसरा तरीका हो सकता है वन माइनस, पर दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इससे भी करेंगे तो भी चलेगा। राइट, अब बात आती है कि इसको करेंगे कैसे। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज ऑलवेज रिमेंबर वन होता है। तो अगर मैं हेड की जगह थ्री टेल रख दूं तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वन बाय फोर, और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वन बाय सॉरी थ्री बाय फोर। राइट, अब देखिए ये आ गया हमारे पास। अब इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था कि ये टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर। अब आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले जीरो के लिए निकालना होगा, मतलब आपको टोटल कितने ट्रायल है फॉर थ्री इंडिपेंडेंट ट्रायल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे गेटिंग एटमोस्ट टू टेल। एटमोस्ट टू टेल मतलब दो, इसको ऐसा कर सकते हैं वन माइनस एक भी टेल, मतलब आपको जीरो टेल, वन टेल, टू टेल चाहिए, तो मैं वन माइनस थ्री टेल वाला कर दूं माइनस, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन माइनस थ्री सी थ्री, राइट, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है वन बाय फोर, तो थ्री टेल की बात कर रहे हैं तो वन बाय फोर का क्यूब इंटू थ्री बाय फोर की पावर जीरो, तो एक तरह से हो गया वन माइनस 1 अपॉन 64, यानी 63 बाय 64, तो 63 बाय 64 काफी करीब है, यानी 0.98 के आसपास। इसको डायरेक्टली बिना सॉल्व करे ले सकते हैं आप। अब देखिए लॉजिक से करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है समझिएगा। अ बैग कंटेन 20 बुक्स आउट ऑफ विच फाइव आर डिफेक्टिव, फाइव डिफेक्टिव है तो 15 ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव होंगी। इफ थ्री बुक्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम एंड रिमूव्ड फ्रॉम द बैग सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री बुक्स आर डिफेक्टिव, सभी डिफेक्टिव हो। तो सिंपल सा लॉजिक हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं डिफेक्टिव ही हो तो 5c3 अपॉन 20c3, या दूसरा तरीका आप बोलते पहली डिफेक्टिव 5/20, अगली 4/19 एंड अगली 3/18। यस और नो, इसको भी सॉल्व करते तो यही आता 5/4/3 अपॉन 3/2/1, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाता तो ये आ गया। अब देखिए क्या है यहां पर आपको समझना है एक चीज, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जैसे ये सब क्वेश्चन वो है आप तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं। अब इसका आंसर पूरा सॉल्व किया, और मैंने आपको बोला था प्रोबेबिलिटी में अक्सर सॉल्व करें आंसर मिलते हैं, जैसे 0.009, 0.016, 0.026, 0.047, राइट। तो ये देखिए कैंसिल, 4, 5 या 20 से कंप्लीटली 20 कैंसिल, ये कैंसिल 6 टाइम, तो 19 6 जा, यानी 120 माइनस 6 114, 1/114। लॉजिक से समझ में आता होगा कि जब आप डिवाइड करने चालू करेंगे तो पॉइंट लगाया तो एक जीरो आया, काम नहीं हुआ, एक और जीरो लिया तो एक और जीरो आया, काम नहीं हुआ, यानी इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट के बाद 2 2 0 होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज अ राइट आंसर। राइट,
जब वन अपॉन करेंगे तो आपको एक्चुअल में यहां पर छोटा है तो पॉइंट लगा के एक जीरो लिया, दो जीरो लिए, एक्चुअल में आपको ऐसा होगा, देखिए वन लिखा था, जैसे ही पॉइंट लगा एक जीरो आया, फिर जीरो जीरो लेके दो आ गए, अब आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली नाइन टाइम के आसपास होगा, तो करेक्ट इज 0.009। यानी आप थोड़े से लॉजिक से भी बता सकते थे कि क्या आंसर होगा, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है, और बिल्कुल एक चीज याद रखते हुए चलिएगा, कहीं ऐसा क्वेश्चन ना लें पूरे दो घंटे के दौरान भी जिसमें उलझ सकते हैं, और जहां लगे उलझ रहे देन लीव दिस क्वेश्चन। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है सुनिएगा, क्वाड्रेटिक का है, इफ स्टार्टिंग के क्वाड्रेटिक के छोड़े आते हैं हम, क्योंकि हम सेकंड राउंड पे आ रहे हैं धीरे धीरे। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 221 इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू प्लस क्यू क्यू। अब दो तरीके हो सकते हैं, एक आप फैक्टर बनाने में टाइम लगाएं, दूसरा आप सिंपल तरीके से करें, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए। पी क्यू प्लस क्यू क्यू पूछा है तो डायरेक्ट लिखो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3PQ, जो डायरेक्ट फॉर्मूले बनाए थे, दिस इज 30 इंटू 30 का स्क्वायर 900 माइनस 3 इंटू तो 663, यानी आपको एक तरह से मिल गया 237 इंटू 30, बस कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 2 आ गया 9 प्लस 211 116 प्लस 17 7110, दिस इज द राइट आंसर, बी बॉम्बे इज द राइट आंसर 7110। यानी किस टेक्निक से क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे होंगे, नोट करिए क्वेश्चन को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपके साथ मैंने जब बताया था तो मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल में एक कंसेप्ट भी लिखवाया था। इफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, जब भी एंगल ऑफ ट्राइंगल का है, आर एन ए पी, अगर एंगल एपी में है तो आपको बताया था 30, 60, 90, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1√32, और एक और बताया था आपको मैंने जिसमें ये 30, 60 ही रहेगा, 45, 60 एंड दिस इज 75। और इस केस में आपको जो एंगल्स मिलते हैं वो थे √2, √3, √6+1 आई थिंक। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, अभी नहीं भी हो याद तो चलेगा, इसको मैं अभी बताता हूं कैसे निकाला था। अब यहां पर देखिए क्या करना है, आपको b बाय सी दिया है √3/2, तो आपको पूछा √2, तो एंगल ए पूछा है, कभी भी एंगल ए पी में दिए हो तो b तो फिक्स होता है, बी 60 डिग्री, और याद रखिएगा साइन बी अपॉन बी साइन सी इक्वल टू होता है बी बाय सी, दिस इज 60, यानी √3/2 साइन सी पता चल जाएगा, बी कितना है √3, दिस इज √2। लॉजिक से देखो √3 से √3 कैंसिल, ये उधर गया तो साइन सी इक्वल टू 1/√2, यानी सी देखिए 45 आ गया, सी 45 है, बी 60 था तो बचा ए, दिस इज 75 जो मैंने आपको बताया। तो ये एक तरीके, अगर आपको याद हो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने एक पेपर सॉल्यूशन दिया था उसमें क्वेश्चन भी था, तो आपके हाथ में कि आप क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करते हैं, नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये पहले राउंड में ही करने हैं, टेन ए, मैंने कुछ क्वेश्चन जरूर ले लिए बीच में, टेन बी इक्वल टू एक्स, कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू वाई, देन आपसे बोला वॉट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस बी, कॉट याद ना हो ना तो 1/10a-b याद रखो, वो क्या होता है सिंपल 10a 10b प्लस 1/10a-10b, 10a-b का फॉर्मूले को सीधा रेसिप्रोकल कर दिया। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपके पास x है, इसको मैं बोलूं कि 10 में कन्वर्ट करो तो आप यही लिखते, देखिए क्या लिखते हैं, अगर आप इसका रेसिप्रोकल निकालते 1/10b माइनस 1/10a इक्वल टू वाई, यानी ऐसा लिखते 10a-10b अपॉन 10a × 10b इक्वल टू वाई, यहां पर ये x आ गया, x अपॉन y इक्वल टू 10a × 10b, तो x अपॉन y प्लस 1, यानी फाइनल आंसर आ गया x प्लस y अपॉन xy, x प्लस y अपॉन एक्स वाई जो ऑप्शन ए में है, इसको ऐसा भी लिख सकते हो ऑब्वियसली 1/x + 1/y, चाहे तो इसको एंगल लेके भी कर सकते थे, बट मेथड से भी उतनी जल्दी हो रहा है तो एंगल की जरूरत है नहीं, पर अगर आप करना चाहते तो आप एंगल लेके इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, चलिए नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। इनफैक्ट ये स्कैनिंग राउंड वाले क्वेश्चन होते हैं, टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एक्चुअल में ये इसका फॉर्मूला ही होता है, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर विल बी जीरो। कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस बी। तो ये हो गया टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस टू, ये समझाने के लिए लिखता हूं बाद में, आप पहले स्टेप में आंसर देने की कोशिश करिए, राइट नोट करिए।